फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने बॉक्स ऑफिस पर तो पब्लिक को ठगा और जिस तरीके से रेपुटेशन बनाई थी उस तरह की ये फिल्म साबित ही नहीं हुई। दर्शकों के मन में कोई भी रोमांच ना जगा सके ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। दोस्तों, इससे जुड़ी एक और बड़ी मसालेदार खबर लेकर हम आ गए हैं आपके पास। दोस्तों, फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का फर्स्ट डे कलेक्शन हर ऑफिशियल साइट, ट्विटर, सोशल मीडिया, फेसबुक, हर कहीं 52 करोड़ रुपए बताया जा रहा था। लेकिन हाल ही में आई खबर के अनुसार बताया जा रहा है कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की टीम जनता को भी ठग रही है। एक फेक कलेक्शन रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मूवी क्रिटिक्स सुमित कांडल ने ये ट्वीट करके हमें जानकारी दी, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों, सुमित कांडल के कई ट्वीट थे जिनमें से एक हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जहां पर सुमित कांडल ने साफ क्लियर किया कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और बॉक्स ऑफिस इंडिया की कोलैबोरेशन को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट और लाउड क्लियर हो चुका है। फिल्म का पहले दिन का नेट कलेक्शन 43 करोड़ रुपए था और जो कि फ्राइडे को 32 से 34 करोड़ का बताया गया वो भी मात्र 23 करोड़ का ही है। ऐसे में दो दिन में फिल्म ने 86 करोड़ का ही कलेक्शन किया है। ऐसे में दोस्तों, वाकई में ये बात सोचने लायक है, क्या ठग्स ने वाकई में पहले दिन 50 करोड़ कमाए हैं? दोस्तों, आपको क्या लगता है, यहाँ पर ठग्स क्या जनता को भी ठगने का काम कर रही है? फेक कलेक्शन रिपोर्ट लगाकर बॉक्स ऑफिस पर भीड़ जमा कराने की तकनीक इससे पहले भी कई बार सिनेमाघरों में की जा चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि ठग्स का रियल कलेक्शन आखिर क्या है। जैसे रिपोर्ट आएगी हम आप तक पहुँचाएंगे खबर सबसे पहले, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली खबर आप तक पहुँचे सबसे पहले।